ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಫಾ ಫಯಾಜ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇರಾಡಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ And as we know that constitution secures justice and safeguards our fundamental rights. So now for suitable interpretation of law and suitable administration of justice, there must be a body and that body that is present that is judiciary. We can define judiciary as a body that settles disputes, interprets laws, administers justice. It's simply judiciary. And it works through different types of courts at different levels. Now, Judiciary plays an important role in our day-to-day lives as it helps us in settling down disputes, interpretation of law, bring about various social and economic changes, and establishment of rule of law. Here I use the term rule of law. Rule of law simply means dominance or supremacy of law. That means everyone, whether it is ruled or it is a ruler, are subjected both to same law. प्रोफेसर डाइसी ये थ्री प्रपोर्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ फॉर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इसने प्रोफेसर डाइसी जो था इसने तीन प्रपोर्शन दिए रूल ऑफ लॉ के लिए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए फर्स्ट प्रपोर्शन इज दैट नोबडी शुड बी पुनिश्ड एक्सेप्ट ही और शी ब्रेक्स और वायलेट्स लॉ किसी को भी तब तक सजा न दो जब तक कि वो कोई लॉ वायलेट या ब्रेक न करे दिस वॉज फर्स्ट प्रपोर्शन एंड सेकंड प्रपोर्शन इज दैट There should be equality before law and there should be equal protection of law. मतलब क्या अगर मैं जो एक आम शख्स हूं और दूसरी जगह प्राइम मिनिस्टर है जो कि ऊंचे पोस्ट पर है अगर वो भी वही गलती करे जो मैं करूं तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो मुझको सजा दी जाएगी ये सेकंड प्रपोर्शन कहता है एंड थर्ड प्रपोर्शन क्या कहता है इट गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स ये हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है ये तीसरा प्रपोर्शन कहता है इन मॉडर्न टाइम जो मॉडर्न टाइम है These have been redefined by Bother and Harvey. इनको रिडिफाइन किया है Bother and Harvey इन तीन प्रपोर्शन को उन्होंने क्या कहा जस्टिस मस्ट बी रिगार्डेड एंड इन इटसेल्फ एंड सेकंड वन उन्होंने क्या कहा था कि एन इंडिविजुअल शुड बी रेस्ट्रेनेड फ्रॉम फ्रीडम बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ कि अगर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है मगर लॉ के अंडर अगर वो उस फ्रीडम को गलत इस्तेमाल करे तो उसको अपनी जगह पर वापस लाओ लेकिन अखबार क्या ला कि अनलॉफुल तरीके से नहीं बल्कि लॉ के तरीके से लाओ ये रूल ऑफ लॉ है रूल ऑफ लॉ इज ए प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल जो है आज का जो जुडिशियल सिस्टम है प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल यूनिट है आज के जुडिशियल सिस्टम का एज इट एंश्योर इक्वालिटी देता है लोगों को एज इट इरेडिकेटेड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम आवर सोसाइटी ये करता है एंड इसका और एक मतलब वो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट It gives opportunity to accused in order to defend himself or herself in the court of law. मतलब जो कोई भी accused person है वो court of law में अपने आप को defend कर सकता है जो उस पर allegations हुई है तो वह उनको reject कर सकता है लेकिन उसको मतलब अगर वो prove होगी उस court में अगर वो prove होगी तो ये था rule of law. As you know, अगर ये judiciary है ये हमारे life में बहुत ही important role अदा करता है तो इसका मतलब जो है इन ऑर्डर तो इसका मतलब ये लाइफ लाइबिलिटी हमें देता है ये प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है ये इक्वालिटी लाता है सेव करता है फंडामेंटल राइट्स करता है तो इसका मतलब इसका इंडिपेंडेंट होना जो है वो जरूरी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मस्ट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी और ऑफ एनी कंट्री एस्पेशली फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो इम्पोर्टेंट है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है उसमें तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए एंड सेकंड इम्पार्शियलिटी दैट मीन्स इट शुड नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जो इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए मतलब ये गलत खौफ सान दूं फैसले कहीं से खिलाफ किया एंड थर्ड वन जो है वो एक्सपीरियंस है इसकी यानी ये अपने मतलब जो इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है इसमें मतलब क्या एक्सपर्ट होना चाहिए अपने डिसीजन कैरी आउट करने में मतलब इसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए केसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस के लिए इसका एक्सपीरियंस जरूरी है
नाउ एज यू नो दैट इंडिया हैज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज एंड इंडिया जो है पावर जो है वो शेयर किए गए हैं सेंट्रल लेवल में स्टेट लेवल में या दूसरी किसी जो मतलब लोकल सेटअप है उन लेवल में ये मतलब क्या है शेयर किए गए हैं नाउ जो आप देखें इसमें तीन मेन ऑर्गन्स है इंडियन गवर्नमेंट में तीन बड़े ऑर्गन्स है तीन मेन ऑर्गन्स है पहला है लेजिस्लेचर दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी लेजिस्लेचर जो है ये करता है लॉ बनाता है और जो एग्जीक्यूटिव है ये एनफोर्स करता है लॉ को और जो जुडिशियरी है ये इंप्लीमेंट करता है लॉ को और देखता है कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं ये जुडिशियरी का काम है एज यू नो इंडिया में जो जुडिशियरी है इन इंडियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट और एपेक्स कोर्ट ऑफ रिव्यू सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है इंडियन जुडिशियरी में और अगर हम इसकी बैक नंबर ये क्या बना ये ब्रिटिश टाइम्स में बना जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में और ये कलकत्ता में बना और अगर हम उस वक्त जो पहला इसका चीफ जस्टिस बना वो सर इलिजा एडवोकेट था लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस जब इंडिया हुआ 1957 में तो इसके बाद 28 जनवरी 1950 को ये इनॉग्रेट हुआ और इसकी इनॉग्रेशन जो जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त राजेंद्र प्रसाद उन्होंने ही की इसकी जो मतलब इनॉग्रेशन थी वो उन्होंने ही की उस वक्त अब अंडर आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन है एस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताता है आर्टिकल 124A ये बताता है कंपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट अगर हम कंपोजिशन भी टॉक अबाउट कंपोजिशन देयर इज चीफ जस्टिस होता है एंड नंबर ऑफ जजेस बीच असिस्ट क्यू जो मगर ये जजेस है ये चेंज होते जा रहे हैं जब से इनॉग्रेट हुआ फॉर एग्जांपल अगर हम 1950 की बात करें इन शब्द तो 56 की बात करें 1956 की बात करें तो 10 तक उठा 60 की बात करें तो 13 तक उठा 77 की बात करें तो 17 तक उठा 86 की बात करें तो 25 तक हुआ और 2009 में इसका जो है वो 33 लेकिन इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 2009 में इसका जो मतलब जजेस का नंबर है वो 33 हुआ मगर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस है उसमें अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें जो पहला चीफ जस्टिस था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो था एच.जे. कान्हा हीरालाल जे कान्हा का था वो पहला चीफ जस्टिस था जो 1950 से लेकर 1951 तक रहा और अगर हम उस चीफ जस्टिस की बात करें जिसका टिन्यूअर सबसे कम था वो था के.एन. सिंह उसकी जो टिन्यूअर 17 डेज दैट इज 25 नवंबर से 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक रहा और अगर हम उस चीफ जस्टिस की बात करें जिसका टिन्यूअर सबसे ज्यादा है आज तक वो है वाई.वी. चंद्रचूड़ जिसका 1978 से लेकर 1985 तक रहा है टिन्यूअर और अगर हम उस फीमेल पहली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फीमेल जो पहली जज है सुप्रीम कोर्ट की वह है फातिमा बीवी जो 1987 में हुई और अगर हम सेकंड मोस्ट फीमेल जज आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की वो थी दयान सुधा मिश्रा जो 2010 में हुई सुप्रीम कोर्ट की जज और अगर हम आज करंट की बात करें जो चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया का वो है एनवी रामन्ना जो 24 अप्रैल 2021 को वो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो करंट है ना अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें इन चीफ जस्टिस या जजेस की अपॉइंटमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद दो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होम ही डीम्ड नेसेसरी लेकिन आज का जो बोले वो मतलब अगर हम देखेंगे इसके खिलाफ एक कंट्रावर्सी हुई थी 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उन्होंने कहा जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही बनेगा चीफ जस्टिस
तो उस वक्त भी तीन सीनियर मोस्ट जजेस थे, एक था जे एम शीलक, दूसरा था के एस हेज और तीसरा था ए एन ब्रूअर। अब जो उन्होंने कहा था कि सीनियर मोस्ट था इन तीनों में से किसी को बनाया जाने वाला, लेकिन क्या हुआ 25th of April 1973 उस वक्त एक जूनियर जज था जिसका नाम था ए एन रे, उसी को बनाया गया। तो इनका जो मतलब वायलेट किया गया, मतलब जो क्राइटेरिया था वो वायलेट किया गया, तो उन्होंने इसी उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी की और अपने पोस्ट से रिजाइन किया। दूसरी मतलब ये वायलेट हुआ 1977 में जब एच आर खन्ना जो कि एक सीनियर मोस्ट जज थे उसको चीफ जस्टिस बनाने के बदले उन्होंने एक जूनियर मोस्ट जज को बनाया जिसका नाम था एम एच बेग। एच आर खन्ना के बदले जूनियर मोस्ट जज एम एच बेग को बनाया गया। अब जब जनता पार्टी 1977 में जनता पार्टी जो वो फोर्स में आ गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब मतलब जो सीनियर मुझे उन्हीं को बनाना शुरू किया चीफ जस्टिस। तो जो उनके में मतलब चीफ जस्टिस बना वो था वी सी चंद्रचूड़। और फाइनली 1993 एक फुल बेंच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा आपसे मतलब जब तक ये सुप्रीम कोर्ट रहेगा ये एपेक्स कोर्ट है, ड्यूरेबल स्ट्रक्चर है, तब से आज से लेकर तब तक जो है सीनियर मोस्ट जज ही बनेगा आप मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। नाउ अगर हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज बनने के लिए हमें कौन सी क्वालिफिकेशन है, पहला जो है मस्ट हैव अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, और ही मस्ट बी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स और वो होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स, उसकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि रिमूवल प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कहते हैं, जो इंडिया में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है। पहला अगर हम प्रोविजन देखें तो वो है क्वालिफिकेशन, अगर मैं एक शख्स हूं जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तमाम क्वालिफिकेशन है और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वाजह है कि मुझे ही बनाया जाएगा ना कि उसका बना। इसका मतलब है जो इंडियन जुडिशियरी उसमें फेवरेटिज्म नहीं है, ये पहला प्रोविजन है। दूसरा रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस क्या है, जो अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई और हो उसको रिमूवल प्रोसेस आने के साथ मिस यूज ऑफ पावर इनकेपेसिटी के बेसिस पे उसको निकाल दिया और वो खुद प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन लेटर दे सकता है, ये उसकी रिजिग्नेशन का है। लेकिन अगर हम उसको रिजिग्नेशन मतलब वो उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इज एक रिजिड प्रोसेस है क्योंकि इसके लिए वो अगर कोई जज उसको मतलब दिखाया गया है कि ये मिस यूज ऑफ पावर है, उसको इलीगेट किया है किसी ऑफेंस ने, तो क्या होता है बोर्ड के हाउस में इलेक्शन होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन में टेक पार्ट करते हैं। अगर फिर बोर्ड डाले टू थर्ड ने इस चीफ जस्टिस या किसी और जज के खिलाफ वोट डाले कि ये ऑफेंसिव है इसको मतलब निकाल देना चाहिए, तो उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर इससे कम लोगों ने मतलब क्या है वोट डाले इसके खिलाफ तो उसको नहीं निकाला जाएगा, ही विल गेट प्रिजर्व फ्रॉम एनी इम्पीचमेंट, वो नहीं निकाल। अगर हम उस जज की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें जो पहले इम्पीच या जिसको खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना चाहिए गई, वो था वी रामास्वामी जो उस वक्त कर्नाटका पंजाब हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसके खिलाफ 1991 में इम्पीचमेंट प्रोसेस लॉन्च की गई। उसके एक साल बाद जब से इम्पीचमेंट प्रोसेस लॉन्च की उससे दो एक साल बाद 1992 में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया गया इसकी इंक्वायरी के लिए। तो उन्होंने क्या कहा जो मतलब रामास्वामी है वो पब्लिक फंड को प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मिस यूज ऑफ पावर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ जब इलेक्शन किए गए कि इसको निकालेंगे या नहीं, जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त उन्होंने इसके खिलाफ वोट नहीं डाले और उन्होंने 1/2 ही कंसेंट लिया, मतलब 2/3 नहीं लिया बल्कि 1/2 ही वोट डाले इसके खिलाफ, तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस से बाहर है। अगर हम दूसरे चीफ जस्टिस की बात करें जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लॉन्च की गई, वो था कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जिसका नाम था जस्टिस दिनाकर, 2009 में इसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लॉन्च की गई। और अगर हम तीसरे जज की बात करें जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लॉन्च की गई, वह है सुमित्रा सेन कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस 2011 में उसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लॉन्च की गई। तो कैन वी से फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट डेट टिल नाउ
नो चीफ जस्टिस और नो जज हैज बीन मतलब एक्सपायर्ड और टर्मिनेटेड इन केस ऑफ इम्पीचमेंट नोबडी। जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के जज एक्स्ट्रा है, इसके लिए एक बिल पास की गई नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014। एक बिल पास की गई जिसके तहत एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, जिसको जिम्मेवारी है कि वो मतलब प्रेसिडेंट ही मेन होता है या गवर्नर होता है जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस या ओसी मेंबर को अपॉइंट करता है। उनको उसको क्या करना है, उनको उसे बताना है कि आप इसको कर सकते हैं, एलिजिबल है या नहीं है, इसको मतलब उसको मदद करते हैं अपॉइंट करने के लिए, इसको मदद करते हैं। और ये जो है ये 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है। और अगर हम बात करेंगे इसी कंपोजिशन, इसमें होता है चीफ जस्टिस होता है इंडिया का फर्स्ट, और अगर हम दूसरी बात करें उसमें होते हैं सीनियर जजेस होते हैं, इसमें दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं इसमें। और जो अगर करंट होता है मतलब आज इसका करंट भी जो है यूनियन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होता है इसमें। और अगर हम तीसरी बात करेंगे जो लोकसभा प्राइम मिनिस्टर दो और मेंबर्स को अपॉइंट करता है इसके लिए, और अगर हम लास्ट मेंबर की बात करें वो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होगा, वही इसमें कम और एक मेंबर होता है। ये नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का स्ट्रक्चर था और इसकी क्या काम है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें एसडेंट ऑफ हाइएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ जो है वह हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट जो है वो हाईएस्ट लॉ हाइएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो हाईकोर्ट है। अगर हम बात करेंगे ओल्डेस्ट हाईकोर्ट की वो है कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट जो बनाया गया था 1862 में बनाया गया। और अगर हम जेएनके हम जेएनके में रहते हैं, अगर हम जेएनके हाईकोर्ट की बात करें वो एस्टैब्लिश हुआ 1928 में, और इसका जो पहला चीफ जस्टिस था जेएनके हाईकोर्ट, जेएनके हाईकोर्ट का वो था कुंवर सेन, कुंवर सेन जो था वो 1928 से लेकर 1951 तक रहा है चीफ जस्टिस ऑफ जेएनके हाईकोर्ट। और नाउ एट लास्ट अगर हम बात करें जो आज की जो कोर्ट है वो मतलब बहुत ही बिजी है, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो पिछले केस से वो मतलब क्या भूल ही जाते हैं, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिलता है पूरी तरीके से। तो अगर हम देखेंगे आज का जो मॉडर्न मतलब डेवलपमेंट जो दिया जुडिशियल सिस्टम में हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो एस्टेब्लिश है, इनको कहते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन इनको कहा जाता है। तो मतलब जब एक केस से सॉल्व किया है 1979 में से एक केस सॉल्व किया जो रिलेट था बिहार के कुछ प्रिजनर्स ऐसे थे जिनको बहुत सारे साल अलाव हुए थे, मतलब जो उनको सजा दी गई थी उनको 5 साल के लिए जेल में रहना है और कुछ साल उनके लिए जेल में रहना, उनको 5 साल से अलावा हुए थे जेल में बंद रहे हुए। तो जो मतलब जब उनको रिलीज किया गया जिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, तो एक मतलब जेएसटी उनके गांव की उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब केस किया कि ये क्या है, अगर आपने उनको 5 साल के लिए बंद रखा तो उनको 8 साल क्यों हुए। तो इस केस को जो कहते हैं इसको कहते हैं हुसैनिया खातून वर्सेस बिहार केस का नाम है इस केस। दिस वाज नॉट द एंड बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वांट टू क्लोज विद द कोट ऑफ विनी डिवास दैट मैन शेप्स हिमसेल्फ थ्रू डिजिनस दैट सिविल एनवायरनमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।